गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जो इस मनन को देख रहे हैं दिस डे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डे इन योर लाइफ होने पाए आज का दिन आपके जीवन का बहुत अच्छा दिन बने एट द एंड ऑफ दिस डे और इस दिन में के अंत में यू बिगिन टू फील अ ट्रेमेंडस जॉय बिकॉज यू हैव ड्रॉन योरसेल्फ क्लोजर टू गॉड आप एक आनंद को महसूस करेंगे क्योंकि आप यीशु के निकट जाएंगे

हमने इस विचार से समाप्त किया था ईच डे कि प्रतिदिन वी मर्सी हम परमेश्वर के करुणा के हिस्सेदार हैं फॉर इट इज बिकॉज ऑफ हिज मर्सी वी आर नॉट कंस्यूम क्योंकि यीशु के करुणा के कारण हम नाश नहीं किए गए हैं वॉट वॉज द इनकारनेशन ऑफ जीसस येशु मसीह का रूपांतर क्या था जीसस गॉट इनसाइड द स्किन ऑफ मैन येशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में आ गया नाउ ही गॉट इनसाइड द स्किन ऑफ अ मैन और मनुष्य के खाल के भीतर आ गया ही केम एज़ अ मैन वो एक मनुष्य के रूप में आ गया एंड ही केम टू सी थिंग्स विद मैनस आइज़ और मनुष्य के समान तरह वो चीजों को देखने लगा गॉड नोज वॉट इज परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है बिकॉज गॉड केम इन टू मैं लाइफ क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर गया जस्ट वन एग्जाम्पल एक उदाहरण को लेता हूँ क्वीन विक्टोरिया वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वन मिस्टर एंड मिसेस टूलोच और रानी uh, विक्टोरिया जो थी वो एक श्रीमान और श्रीमती टुलोज की बहुत करीब थी प्रिंस एल्बर्ट द क्वीन्स हस्बैंड डाइड उस समय क्वीन विक्टोरिया का जो पति राजकुमार एल्बर्ट थे उनका देहांत हो गया द क्वीन विक्टोरिया वॉज लोनली और उस समय रानी विक्टोरिया जो है वो अकेले पड़ गई अराउंड दैट टाइम और उस समय में मिस्टर टुलोज आल्सो डाइड श्रीमान टुलोज का देहांत भी हो गया विच मेड मिसेस टुलोज़ आल्सो वेरी और जिसके कारण श्रीमती टुलोज़ अकेला अकेली पड़ गई वन डे क्वीन वेंट टू विजिट मिसेस टुलोज एक दिन रानी जो है वो श्रीमती टुलोज के पास गई एंड वेन क्वीन्स अराइवल वॉज अनाउंसड और जब रानी आने के जो बताया गया कि वो आ गई हैं। मिसेस टुलोज ट्राइड टू राइज फ्रॉम द मिसेस श्रीमती टुलोज जो है उन्होंने कोशिश किया अपने कुर्सी से उठे शी ट्राइड टू राइज अप। उन्होंने बहुत कोशिश किया उठने के लिए बट द क्वीन वेंट फॉरवर्ड एंड सेड लेकिन रानी उस समय आगे बढ़कर इस बात को कहा डो नॉट राइज टू लॉज कि आप खड़ी ना हो आई डिट कम मैं इस समय समय रानी बनकर नहीं आई हूं बट एज अटर हस्बैंड लेकिन एक ऐसे स्त्री जिन्होंने अपने पति को खोया है एन आई केम टू विजिट एन अद वूमन एक दूसरे स्त्री से मिलने आई हूं जिन्होंने अपने पति को खोया है क्या कहेंगे आप करुणा बोलेंगे अगर हम ऐसे गरीबों को हम करुणा दिखाएंगे और किसी ऐसे व्यक्ति जो हमसे कम है और जिनको हम मानते हैं कि वो बेकार है द गिल्टी जो दोषी है दंड और जिनके ऊपर दंड बोला गया है ये ये बताता है कि हम यीशु मसीह के uh, पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं अगर हम ऐसे लोगों को करुणा दिखाएंगे वी हैव ऑपरचुनिटी टू डू सो हमारे पास बहुत से अवसर है ऐसे करने के लिए हमारा संसार जो है बहुत दोष से और हाई से भरा हुआ है एवरी डे वी द पुअर एंड रिचेड और प्रतिदिन हमारे पास बहुत अवसर है कि गरीबों को और uh, जो uh, uh, कम वर्ग के लोग हैं, उनको मदद करने के लिए इंजर्ड और ऐसे लोगों को क्षमा करना जो हमें चोट पहुंचाते पहुंचा like हम इस बात को दिखाते हैं कि हम अपने प्रभु के समान है our God whom we हमारा प्रभु जिसकी हम आराधना करते हैं एंड इट इज और कहा गया है वी शैल बी वॉट अवर वी वर्शिप जिसकी हम आराधना करते हैं हम वैसे ही बन जाएंगे सो इफ वी वर्शिप आवर गॉड सो अगर हम अपने परमेश्वर की आराधना करते then we हैं सो so फिर हम परमेश्वर के समान बन जाएंगे हाउ इज ही परमेश्वर कैसे टू अनवर्थी एंड अनविंग परमेश्वर ऐसे लोगों को करुणा दिखाते हैं Is it not the mission of the Church of Jesus Christ? क्या यही ये मसीह का कलीसिया का कार्य नहीं है you show to the least privileged of the citizens. और जो दया का कार्य हम ऐसे लोगों को दिखाते हैं जिनके पास ज्यादा अवसर नहीं है

उसको प्राप्त करोगे अगर हम कड़वाहट को बोएंगे, हम उसी को काटेंगे इफ यू काइंडनेस अगर हम दया को बोएंगे यूल हम दया को काटेंगे इफ यू शो लव अगर will, हम प्रेम को दिखाएंगे तो फिर हम प्रेम पाएंगे एंड सो so, That's what it says here. So, यही बात यहाँ पर लिखी है. If you sow mercy, you will reap mercy. अगर हम दया को बोएंगे, तो फिर हम दया को पाएंगे. The acts of kindness you show to the least privileged of the citizens. और जितने वो गरीबों को और दबे हुए लोगों को हम दया दिखाएंगे. The citizens of our country. जो हमारे इस देश के नागरिक हैं वाट इज योर विजन आपका दर्शन क्या है लेट इट बी द सेम थिंग वही होने पाए शोइंग मर्सी दया दिखाने पाए समाइम्स वी मे थिंक दैट दैट पर्सन डस इन मर्सी और कभी कभी हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति वो दया का योग्य नहीं है लेकिन ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ने दया दिखाया है दया वो है कि हम दूसरों के दुख और दर्द में हम शामिल होते हैं दैट इज compassion. और यही दया है दैट इज कम मर्सी

एंड मेक यू सो दर ऑपरचुनिटी टू शो का मर्सी टू साम्बरी हुम यू मे थिंक ड नॉट डिस और इस अवसर का इस मौके का पूरा लाभ उठाएँ कि जो लोग इस करुणा और दया को चाहते हैं जो जो इसके लायक हैं आप उनको दिखाएं ओ लॉड हे प्रभु वी वॉन्ट टू बी लाइक दैट बट वी कैनॉट प्रभु हम चाहते हैं ऐसे बनना लेकिन हम अपने ही ताकत में नहीं बन पाते हैं इट इज ईजियर टू अवॉइड पीपल टू शो खाइंडस और ये आसान है कि हम लोगों को नज़रअंदाज कर दे बजाय इसके कि उनकी मदद करोड हमें क्षमा कर दे प्रभु ग्रैंड टू अस यू एंड यूर दैट वी में show kindness and mercy to others. लेकिन प्रभु जिस प्रकार आप हमको दया और करुणा दिखाते हैं उसी प्रकार हम दूसरों को भी दिखाने पाए थैंक यू धन्यवाद जी सही यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन आमेन दिस इज अ ग्रेट डे माई फ्रेंड और ये एक बड़ा दिन है लिव राइट आप सही से जिए और जीवन का आनंद उठाए गॉड्स ब्लेसिंग भी परमेश्वर के आशीषे आपके ऊपर बना रहे आमेन आमेन